आज मैं रायमंड के एरिया सुंदर में हूँ, जहाँ पे 3 साल की बच्ची के साथ ज्यादती की गई है। एक छोटी सी बच्ची जो कि फूल की मानित बच्ची थी, लेकिन उस फूल की मानित बच्ची को उस दरिंदा से इंसान ने कुचल दिया है। उसका फ्यूचर क्या होगा? क्या वो बच्ची सारी ज़िंदगी ये बात भूल सकेगी? ये उसकी वालदा रोमा मेरे साथ मौजूद हैं। रोमा, बताएंगे उस दिन क्या वाक्या पेश आया था? जब सैटरडे की सुबह को मैंने 8 बजे बच्चों को स्कूल भेजा और ये लोग 12:30 बजे छुट्टी होती है और ये 11:30 घर आ गए थे। उसके बाद बच्ची घर आई और वो कह रही है, मामा मेरे पेट में बहुत ज़्यादा पेन हो रही है। और मैंने इसको गैस का शरबत दिया कि वो शायद गैस की वजह से इसके पेट में पेन हो रही है। और फिर उसके बाद ना ये रोती रही है काफ़ी देर, रोती रही है। और फिर ना कभी कहीं बैठती थी, कभी कहाँ बैठती थी। मैंने इसको बुलाती थी, कहती थी, मैंने कहा है ना क्या हो गया, तो ये मुझे बता नहीं थी रही। तो काफ़ी मैंने कोशिश की, मैंने कहा ऐना क्या हुआ है, मेरे पास तो आओ, मेरे पास भी नहीं आ रही थी। उसके बाद ना ये ना इसको मैंने जब कोशिश की पास लाने की, इसको मैंने फीडर वगैरह दिया तो ये सो गई। सो रही है तो मैं इसके पास बैठी रही हूँ कि पता नहीं इसको कितनी सी पेन हो रही है, क्या मतलब है इसको, क्या हो रहा है, मुझे इसकी समझ नहीं थी आ रही। तो इतनी देर में मैं इसके पापा का वेट कर रही थी कि आए और मैं इसकी मेडिसिन ले के आऊँ। उसका पापा आया 3 बजे और ना उसको मैंने कहा कि ऐसे ऐसे ना है ना ठीक नहीं है, तो वो सोई ही है। कहते अभी उठती है ना तो फिर मुझे बुलाना, मैं ना बाहर काम करता था, पर लगाता था, तो कहता मुझे बुला लेना। मैंने कहा अच्छा। 4 बजे ना मैंने उसको ट्यूशन भेज दिया नला नुलू के। तो उसके आपने उसी हालत में उसको? नहीं, मैंने उसके कपड़े चेंज किए और फिर मैंने दोबारा उसके पापा के आने का वेट किया। मुझे पता तो चल गया था। ठीक है, आपने जब कपड़े चेंज किए तो आपको उसकी कंडीशन का हालत का पता चल गया कि उसके साथ कुछ ऐसा गलत काम हुआ है। पर मैंने उसके पापा के आने का वेट किया और वो तकरीबन 10 बजे घर आए। और फिर वो जब आए ना, मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे ऐना के साथ मुझे लग रहा है कुछ गलत हुआ है। उन्होंने फौरन उसको ना हॉस्पिटल लेके गया, जिना हॉस्पिटल हमारे इधर प्राइवेट है मांगा रोड पे, उसको हॉस्पिटल लेके गया। उधर हॉस्पिटल वालों ने कहा इसके साथ ज्यादती हुई है। अच्छा। और उन्होंने कहा कि इसको सुबह लेके आना, इसका बाकी ट्रीटमेंट सुबह होगा। फिर हम लोग उधर से THU में लेके गए, हमने फिर नहीं वेट किया, उधर से हम उधर लेके गए। उन्होंने कहा ये पुलिस केस है। अच्छा। हम लोग उधर से वापस आए और ना काफ़ी टाइम हो गया था, उन्होंने कहा इसको चिल्ड्रन ले जाओ, काफ़ी टाइम हो गया था। उसके बाद ना हम लोग ना कहा कि सुबह जाएंगे, अब बहुत टाइम हो गया तो कैसे जाएं। तो फिर ना उसके बाद हम लोग ना मतलब उसको ठीक ठोक किया, उसको खिलाया खिलाया थोड़ी देर ना, रो बड़ा रही थी। जाहिर है एक मासूम बच्ची के साथ इतनी ज्यादती हो, इंसान इसकी तकलीफ का अंदाज़ा तो लगाया जा सकता है। उसके बाद हम लोगों ने सुबह को पुलिस को इन्फॉर्म किया, 15 पे कॉल की और वो मुजरिम को पकड़वाया। उसके बाद हम लोगों ने फिर सारी उसका मेडिकल वगैरह करवाया। मेडिकल में भी उन्होंने बताया कि इसके साथ ज्यादती हुई है। उन्होंने हमें मुंशी हॉस्पिटल में रेफर किया। अच्छा। मुंशी हॉस्पिटल वालों की हमें समझ नहीं आई, उन्होंने पता नहीं अपने क्या लिखा है क्या नहीं। वो नहीं, आपको उसमें जो मुंशी हॉस्पिटल से रिपोर्ट आई है, उन्होंने कहा है जी बच्ची का 2-3 दिन तो गुजर गए थे, तो उन्होंने कहा ये बच्ची का चेक नहीं करवा रही, ऐसे नहीं कर रही, वैसे नहीं। उन्होंने हमें मतलब ना टाल दिया, बात को हमारी को टाल दिया। हम लोग घर आ गए, उसके बाद हम लोगों ने ये अब DNA टेस्ट करवाया, अब उसकी रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं। और हमें इंसाफ चाहिए, ये छोटी सी बच्ची है, आज हमारी बच्ची के साथ हुआ है, कल को किसी नहीं, आपकी नहीं सबकी बच्ची है। आज बच्चियां सबकी कहते हैं ना सांझी होती हैं। अब हमारे साथ ऐना के वालिद चांद साहब मौजूद हैं। चांद, आपने अपनी बेटी के बारे में जो मुलजिम है उसको पकड़ लिया गया? पकड़ लिया गया, कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ठीक है, और सारा कुछ हो गया, सिर्फ जो DNA टेस्ट है ना वो आने का इंतजार है। आप मुझे बताएंगे कितने दिन हो गए हैं DNA करवाया हुआ? जी पहले मैडम आई थी घर, उन्होंने कहा जी वो लैब में चला गया, फिर उन्होंने हमें परसों बुलाया, परसों हम गए हैं 10 बजे के वहाँ गए हैं। तो एक तो हमारे साथ जुल्म हो रहा है और दूसरी हमारी बात नहीं सुनते वो। क्या कहते वहाँ पे गए हैं, हमें बाहर ही बिठा दिया। वो मुजरिम आया, वो इस तरह आया कि जैसे वो मुजरिम लगता ही नहीं है किसी। नहीं, कहाँ पे वो मुजरिम आया, आप कहाँ पे गए थे जहाँ पे मुजरिम आपके सामने आया फेस टू फेस? ठोकर पे है लैब कोई। अच्छा, वो भी लैब में टेस्ट, उसके भी टेस्ट करवा रहे होंगे। हाँ, ठीक हो गया जी।
तो उसको कोई डर खौफ नहीं है, डर खौफ उसके चेहरे पे लगता ही नहीं है कोई। आपकी बच्ची के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती जुल्म हुआ है, स्कूल से बच्ची है तो, लेकिन आपके ये कुछ उसको मुजरिम को जल्दी से जल्दी कैफे करदार तक पहुंचाया जाए। देखिए हम गरीब लोग हैं और इज्जत के अलावा हमने कुछ भी नहीं कमाया। सही, अगर हमें हमारी इज्जत ही नहीं मिली तो हमें क्या फायदा गरीब लोगों का आवाज उठाने का। अब आप उस मुजरिम के बारे में क्या चाहते हैं, क्या उसको सजा दी जाए? जी जो इस मुजरिम को जो है ना ये केस के बारे में जो फांसी से बढ़ के भी अगर कोई सजा है ना वो मिलनी चाहिए थे। हमने कानून पे भरोसा किया है, कानून को इन्फॉर्म किया है और मैं वो मैडम का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारी बात भी ऊपर लेवल तक पहुँचाई है। और मैं उनसे यही गुजारिश करूँगा कि हमारा काम और भी जल्द से जल्द करवाया जाए। और ये ऐना है, ये वो मासूम सी बच्ची है जिसके साथ ज्यादती की है। इस बच्ची को देख के तो मेरी अपनी रूह कांप गई है। उसकी हालत देखिए, और मासूम सी बच्ची है, इस इंसान को इस बच्ची पे तरस नहीं आया कि मैं क्या करने जा रहा हूँ? कोई फूलों के साथ भी खेलता है, उनको पोंपे कुचलता है, वो दुनिया से भी एक अकबर है। उसको 3 साल की बच्ची है, उसको कुछ होश नहीं है, कुछ पता नहीं है। इस दुनिया में जब बच्चा आता है उससे अच्छाई बुराई का कोई पता नहीं होता। उसको क्या इस माशरे ने दिया, इस माशरे में रहकर वो बच्ची आगे कैसे बढ़ेगी, अपनी सारी ज़िंदगी वो कैसे गुजार सकेगी? क्या वो इस बाकी को भूल जाएगी जल्दी? नहीं। क्या उसके माँ बाप इस दर्द और तकलीफ से निकल पाएंगे? नहीं निकल पाएंगे। ऐना को क्या हो रहा है अब, कैसे? ऐना बहुत बुरा दर्द खा रही है, पेट में दर्द बहुत ज़्यादा फील करती है, खेलती नहीं है, उसको खिलाएं तो रोती है, जिद करती है। ऐना डरी सहमी बची हुई है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा डरी हुई है। आप तसल्ली रखें, परेशानी हो खुदा आपकी मदद करेगा। मुझे तो इस फूल सारी बच्ची के साथ देख के दुख हो रहा है कि इंसानियत इस दुनिया में ना खत्म हो चुकी है। पिछले दिनों मैं न्यूज़ चैनल पे या सोशल मीडिया पे देख रही थी कि इमरान खान साहब कह रहे थे कि औरतों और बच्चियों के साथ रेप इसलिए होते हैं कि वो छोटे कपड़े पहनती हैं। मेरी इमरान खान साहब से गुजारिश है, दरख्वास्त है, ये छोटी बच्ची ने भी छोटे कपड़े पहने थे जो इस जुर्म का शिकार हुई है। आप वज़ीर आज़म साहब हैं, अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो लोग क्या कहेंगे? लोगों को तो एक मिल जाएगा ना मौका, लिहाजा आपको ऐसी बातें सूट नहीं करती। आप वज़ीर आज़म हैं, अच्छी बातें करें। ये फूल सी बच्चियाँ छोटे कपड़े पहन के घूमती हैं, आप बड़ी औरतों को तो कह सकते हैं कि ये इसलिए ज्यादतियाँ का शिकार हो रही हैं। आप हमारे मुल्क में ज्यादतियाँ बढ़ती जा रही हैं, इसको कंट्रोल किया जाए।